देखिए दोस्तों, जैसे कि मेरे लैपटॉप की स्क्रीन यहाँ पर जूम इन एंड जूम आउट हो रहा है, जैसे कि आप लोगों को अभी जूम इन होते हुए दिखाई दे रहा है, तो इसी तरह से कैसे आप भी जूम इन करके अपने हिसाब से एडजस्ट करोगे ना, आप अपने हिसाब से जूम आउट करोगे। जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना। मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले दिखाऊंगा कि आप लैपटॉप की स्क्रीन को कैसे जूम इन एंड जूम आउट करोगे, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि कंप्यूटर की स्क्रीन को कैसे जूम इन एंड जूम आउट करोगे, क्योंकि लैपटॉप के अंदर थोड़ा सा टच वाला सेक्शन रहते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि लैपटॉप के टच वाला सेक्शन की मदद से कैसे जूम इन एंड आउट किया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप में ही काम आएगा, क्योंकि कंप्यूटर में टच वाला सेक्शन नहीं रहता है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करके जूम इन एंड जूम आउट किया जा सकता है। अगर आप शॉर्टकट की प्रेसिंग के बारे में जान लेते हो तो आप लैपटॉप की स्क्रीन भी एंड कंप्यूटर की स्क्रीन, दोनों स्क्रीन को आप जूम इन एंड जूम आउट अपने हिसाब से कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि लैपटॉप की स्क्रीन को कैसे जूम इन एंड जूम आउट करोगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मेरे यहाँ पर लैपटॉप का कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, कीबोर्ड वाला सेक्शन, ठीक है ना, और यहाँ पर ए वाला टच वाला सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर एक साथ में दो उंगली बैठाना है इस तरह से, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक ना। तो इसी तरह से आप उंगली को बैठा देना, उसके बाद अगर आप जूम करोगे तो दोनों उंगली को दूर लेके जाना, ठीक है। इस तरह से देखो, ऑटोमेटिकली जूम हो रहा है ना। अभी दोनों उंगली को नज़दीक लेके आना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर नज़दीक लेके आ रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर स्क्रीन भी छोटा हो रहा है। तो इसी तरह से दोनों उंगली को दूर लेके जैसे ही जाओगे तो आपका स्क्रीन बड़ा होता जाएगा, एंड जैसे ही दोनों उंगली को नज़दीक लेके जाओगे तो आपका स्क्रीन छोटा होता जाएगा। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखो दोनों उंगली को मैं नज़दीक लेके जा रहा हूँ, तो देखो अब स्क्रीन छोटा हो रहा है। तो इसी तरह से आपको दोनों उंगली को एक साथ पकड़ के रखना है, उसके बाद नज़दीक लेके जाओगे तो छोटा हो जाएगा, एंड अब दूर लेके जाओगे तो आपका स्क्रीन बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अभी अगर आप मान लो कि आपका साइड वाला सेक्शन देखो गायब हो चुका है, मतलब साइड में चला गया है, ठीक है ना, तो उसको मिडिल में कैसे लेके आना है। तो मिडिल में लाने के लिए आपको यहाँ पर दोनों उंगली को एक साथ में बैठा देना है, ठीक है। अभी उस साइड से, मतलब उस कोने से इस साइड में लेके आना है, ठीक है। तो उसके लिए देखो उंगली को मैं इस तरह से इस साइड में खींचूंगा, और देखो यहाँ पर अच्छी तरह से साइड वाला सेक्शन एडजस्ट हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को अप्लाई करके आपको भी जूम इन एंड जूम आउट करके एडजस्ट करना है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करके आप लैपटॉप या कंप्यूटर के स्क्रीन को जूम इन एंड जूम आउट करोगे। अगर आप शॉर्टकट की प्रेसिंग के बारे में जान लेते हो तो आप बहुत ही आसानी से लैपटॉप या कंप्यूटर के स्क्रीन को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो। तो उसका शॉर्टकट की कौन सा है, आपको सबसे पहले यहाँ पर विंडो वाला सेक्शन को दबा के रखना है। देखो यहाँ पर आपको विंडो वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको विंडो वाला सेक्शन को एक उंगली से दबा के रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर देखो ऊपर में, मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे पहले देखो ऊपर में यहाँ पर आपको एक प्लस वाला आइकन देखने को मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पर माइनस वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। आपको सबसे पहले विंडो वाला बटन को दबा के रखना है, उसके बाद आप अगर प्लस वाला सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपका स्क्रीन ऑटोमेटिकली जूम होता जाएगा, एंड अगर आप विंडो वाला सेक्शन को दबा के माइनस वाला सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपका स्क्रीन ऑटोमेटिकली जूम आउट होता जाएगा, जैसे कि मैं आप लोगों को अभी करके दिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर विंडो वाला सेक्शन पर एक बार क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो ऑटोमेटिकली जूम हो गया। फिर से करूँगा तो फिर से जूम हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो इसको ठीक तरह से अभी एडजस्ट कैसे करना है, और आपके पास तो एक माउस होगा, तो माउस के मदद से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। देखो अब देखो मैं माउस को साइड में लेके जा रहा हूँ, देखो इस साइड में लेके जाऊँगा तो इस साइड में मेरा स्क्रीन आ रहा है, एंड नीचे की तरफ लेके जाऊँगा तो मेरा स्क्रीन ऊपर में आ जाएगा। तो इसी प्रोसेस को अप्लाई करके आपको आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के स्क्रीन को साइड में लेके जाना है। अभी मुझे मान लो कि जूम आउट करना है, तो जूम आउट करने के लिए फिर से मैं विंडो वाला सेक्शन पर क्लिक करूँगा। देखो ये वाला विंडो वाला बटन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला विंडो वाला बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करके रखना है, ठीक है। मैं क्लिक करके रख रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर माइनस वाला सेक्शन पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो ये वाला माइनस वाला बटन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला माइनस वाला बटन, ठीक है ना। तो देखो मैंने विंडो वाला सेक्शन पे एक बार क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद माइनस वाला सेक्शन पे एक बार क्लिक करूँगा, तो देखो थोड़ा सा छोटा हुआ, फिर से क्लिक करूँगा तो फिर से छोटा हुआ। तो इसी तरह से आप भी आपके हिसाब से लैपटॉप या कंप्यूटर के स्क्रीन को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में जानकारी पता चल चुका है। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद मदद मिली है तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक करना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा देना, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं इसी तरह के हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।